जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज मैं आपको खाने वाला हूँ मस्कोवी डक्स के बारे में। ये हमने इनके लिए बनाया हुआ है डक्स के लिए। ये देखें, ये तो आम देसी डक्स हैं, लेकिन अभी आपको मस्कोवी भी दिखाता हूँ और इसकी जो है बिजनेस उसके बारे में बताऊँगा आपको। आप लोग भी कर सकते हैं, घर में भी बन सकता है इसके बारे में ना। और ये हमने सारी इनके लिए लेक बनाई है ताकि यहाँ पे अपना खाना शाना ढूंढें और खाती रहें। तो बड़ा अच्छा सेटअप इनके लिए बनाया हुआ है हमने। तो आज मैं आपको मस्कोवी दिखाता हूँ। तो ये है मस्कोवी डक्स, ये आप घर में भी रख सकते हैं, बेहद खूबसूरत हैं ये। और ये काफ़ी महंगी सेल होती हैं और वर्ल्ड में इनका मीट जो है, गोश्त इनका खाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में जो डक्स का गोश्त है वो इन्हीं का खाया जाता है। और ये देखें बड़ी खूबसूरत हैं, ये अभी छोटी हैं, ये बड़ी होंगी अभी। और मेरे पास तो इनक्यूबेटर है, मैं इसकी जो है ना यहाँ पे खुद से करवाता हूँ। हमारे पास तो काफ़ी बर्ड्स हैं जिसमें मैंने मस्कोवी भी रखी हैं, खाकी कैम्बल भी आपको ज़रूर दिखाऊँगा मैं। खाकी कैम्बल भी हैं मेरे पास, तो वो भी आपको ज़रूर दिखाऊँगा। आप इनको कुछ भी डाल सकते हैं, आप इनको फीड डाल लें, गंदम डाल लें, और रोटी डालना चाहते हैं रोटी डाल लें। ये देखिए बड़े लव बर्ड्स हैं, देखें बिल्कुल पास आप खड़े हैं, कोई इतना नहीं है, डरती नहीं है, बहुत प्यारी जानवर है। तो आप घर में रखें, बड़ी प्यारी होती हैं ये, थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं। फ्रेंड्स, इसमें ये एक आम देसी डक है। जब हमने ये छोटे बच्चे थे हमारे पास, तो ये हमने देसी वाली जो है ना, ये हमारे पास दो तीन थी, जिसमें से ये जो है ना एक रह गई है। तो ये भी इन्हीं के साथ रहती है। आप इसमें से अंदाज़ा लगा, जो ब्लैक वाली है मस्कोवी है, जो वाइट वाली है थोड़ी सी वो सिल्वर कलर में, वो आम देसी है। और इनकी पहचान आप इस तरह भी कर सकते हो कि इनकी जो टेल होती है वो दूसरी डक से लंबी होती है, ये खुद भी लंबी होती है। इनका वज़न काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ये 3 से 4 किलो की, 5 किलो की भी हो जाती है। ये देख रहे हैं आप, ये मेल है, ये वाला ये मेल है और ये 3 फीमेल हैं ब्लैक वाली। हमारे पास और भी काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स हैं, ये सामने टर्की है, आपको आवाज़ आ रही होगी टर्की की। और ये सामने हमने लेक बनाई हुई है, ये इसमें सारा दिन अपनी मौजें करती रहती हैं।
तो फ्रेंड्स आप लोग अगर देखिए हमारी मॉस्को अभी, तो आपको इंशाल्लाह खाकी कैमल भी दिखाऊंगा। तो ये काफ़ी अच्छी डक्स हैं, आप घर में रखें, आपको इसका जो मीट है वो भी आपको अच्छा खाने के लिए मिलेगा। तो इसके मैं फ़ायदे भी आपको बता दिए हैं सारे। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूर दूसरी खाकी कैमल भी दिखाऊंगा। और आज की वीडियो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं दूसरी वीडियो में आपको ज़रूर मिलेंगे। और सब्सक्राइब करना मत भूला करें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करा करें। अल्लाह हाफिज़।